अभी लंच के लिए रुका हूँ मैं, और हमें फोर्ट पाकू स्ट्रीट में, काफ़ी फैंसी स्ट्रीट है ये, और यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट में कॉफ़ी शॉप्स और रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे आप लंच कर सकते हैं। ये थोड़ा थोड़ा आपको न्यूयॉर्क के मिड टाउन जैसा लगेगा, क्योंकि थोड़ा पॉश इलाका है और लाइन से स्ट्रीट्स और कैफेज़ हैं। तो आपको मैं जस्ट दिखाना चाहता हूँ कि इस जगह में कितना पोटेंशियल है। तो आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ ज़रूर खाना खाइए, कैफेज़ इंजॉय कीजिए, कॉफ़ी पीजिए। पाकू की बिल्ली खड़ी हो गई है। ये देखो पाकू की बिल्ली क्या कर रही है। अरे पाकू की बिल्ली कर रही है यार, शक्लें देख इसकी। काले कपड़े पहन के आई हुई ना मेरी तरह, क्या करिए मेरे को, प्यार से कर रही है, कोई टेंशन नहीं से, वहाँ से करती 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 प्यार करा करा के ऊपर चढ़ा दिया हमने। तू यार चश्मा लगा लिया, बिल्कुल इसके आंख से मैच करेगा, सही में बहुत आ रही, परफेक्ट। A few moments later. लंच के बाद हम लोग पहुंचे इचरी शहर। इचरी शहर को पाकू का दिल भी कहते हैं। आजकल इस जगह को हम लोग ओल्ड सिटी के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि पाकू की शुरुआत इसी जगह से हुई थी, और यहाँ पे आज भी आपको एंशिएंट पाकू की झलक जरूर मिलेगी, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, चाहे वो शॉप्स हो, चाहे वो यहाँ के लोग हो, आपको एंशिएंट पाकू की याद दिलाएंगे। मैंने भी इस जगह का मजा पैदल चल के लिया। ये बेसिकली 12th सेंचुरी से इस जगह पे है, और आप देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट में बहुत सारी शॉप्स हैं। तब भी यहाँ पे ट्रेडिंग होती थी और लोग अपना सामान बेचते थे, और आज टूरिस्ट के लिए जगह बन गई है। तो अगर आप आते हैं तो इस टूर को मिस मत कीजिए, पूरा वॉकिंग टूर है जो आप आराम से 1-2 घंटे इंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पे लंच कर सकते हैं। सो डोंट मिस द ओल्ड सिटी ऑफ पाकू। ओल्ड सिटी का टूर ख़त्म करने के बाद मैं निकल पड़ा कुछ सिनेमैटिक शॉट्स इकट्ठे करने के लिए। आखिरकार कोई व्लॉग उसके बिना कंप्लीट नहीं होता। काफ़ी देर के बाद मुझे मेरा परफेक्ट शॉट मिला, जो कि ये था। सो गाइस, अभी हम यहाँ पे एक लोकल परफ्यूम शॉप में हैं, जहाँ पे अभी लाइव परफ्यूम बना के दिखा रहे हैं कि कैसे परफ्यूम अल्कोहल डाल के बन रहा है। और मैं ले रहा हूँ तीन ब्रांड्स, शनेल, बुल्गारी एंड विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल। और वो देखिए किस तरह से ये परफ्यूम बना रहे हैं अल्कोहल डाल के। ये देखिए पूरा प्रोसेस देखिए। जब कभी भी पाकू आए तो इस शॉप में ज़रूर आइए और यहाँ से परफ्यूम बनवाइए अपने आँखों के सामने। सारे प्रीमियम ब्रांड्स के बेस अवेलेबल हैं। द नेक्स्ट डे, सो गाइस मैं हूँ इस समय गोगुस्तान में, और ये जगह वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे किस तरह से अजरबैजान ने इवॉल्व किया है, 40,000 साल पुरानी जगह को इन्होंने अभी तक प्रिजर्व करके रखा है, ताकि हम जान सकें कि स्टोन एज से मॉडर्न एरा तक क्या जर्नी रही है अजरबैजान की। पाकू की ऊंची इमारतें देखने के बाद मैं पहुंचा गोगुस्तान, जहां मेरी मुलाकात 20,000 साल पहले के अजरबैजान से हुई। यहां पे आज भी आपको उस जमाने के स्कल्पचर्स, आर्ट, यहां तक कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस, इसके बाद मैं जाने वाला हूं मड वॉल्केनो। चलो 2-3 लोग याला भी करो। डिफरेंट साउंड, डिफरेंट प्लेस। So, ये जो आप स्टोन देख रहे हैं, गाबा स्टोन, ये म्यूजिक बनाने के लिए मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि म्यूजिक बनाते थे इससे। After hunting, for celebration. जब कोई जानवर को मारते थे तब ये इससे म्यूजिक क्रिएट करते थे। जैसे आप सुन रहे हैं एक बहुत अच्छा सा साउंड आ रहा है, तो इससे म्यूजिक बनाते थे स्टोन एज के टाइम पे। तो मैं आ गया हूँ अपनी अगली साइट पे, हम लोग जा रहे हैं मड वॉल्केनो, और हम पीछे जो देखे हो रेट्रो कार्स हैं, रशियन टैक्सीज हैं, इस पे जा रहे हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है। 4-4 लोग जा सकते हैं एक टैक्सी के अंदर, और ये पुराने स्टाइल की गाड़ियाँ हैं, विंटेज टैक्सीज हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग राइड होने वाली है, देखते हैं कैसी होती है।
फाइनली पहुंचे मड वॉल्केनोज में। दुनिया में सबसे ज्यादा मड वॉल्केनोज अजरबैजान में पाए जाते हैं, और यहाँ से निकलता हुआ लिक्विड फॉर्म का जो मड होता है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज, कंस्ट्रक्शन कंपनीज एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है। तो गाइस, मैं हूँ इस समय हैदर अली मेमोरियल म्यूजियम में, और ये बाकी की सबसे बड़ी हाईलाइट है और टॉप 10 बिल्डिंग्स दुनिया की सबसे सुंदर बिल्डिंग्स में ही आती है। आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा इसका डिज़ाइन इतना अच्छा है। अगर आप इसका टॉप व्यू देखोगे तो इन्होंने जो इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनके सिग्नेचर के हिसाब से इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो कैस्पियन सी की वेव्स हैं वो डिपिक्ट करता है बिल्डिंग, और माउंटेन्स और जो यहाँ पे फायर का साइन है वो ये बिल्डिंग डिपिक्ट करने की कोशिश करती है। और पीछे देख सकते हैं आई लव बाकू लिखा है मेरे, यहाँ पे आके ज़रूर फ़ोटो क्लिक कराइए और यहाँ से अच्छी मेमोरीज लेके जाइए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, और लाइक कीजिए, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। हैदर अली म्यूज़ियम में अपनी इवनिंग वॉक के बाद और कुछ फोटोग्राफ्स लेने के बाद मैं निकल पड़ा अपनी आज की लास्ट और फाइनल डेस्टिनेशन पर। हम लोग जा रहे थे बाकू की सबसे हैपनिंग स्ट्रीट, निज़ामी स्ट्रीट। अगर आपके पास इवनिंग में टाइम है तो यहाँ ज़रूर जाइए। तो गाइस, हर जगह की एक फेमस स्ट्रीट होती है जहाँ पे आपको डिफरेंट रेस्टोरेंट्स, डिफरेंट शॉपिंग एक्सपीरियंसेस मिल जाते हैं। जैसे न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर है, तो वैसे ही बाकू का जो है मेन हब जिसे कह सकते हैं उसे कहते हैं निज़ामी स्ट्रीट। यहाँ पे राइट साइड पे बहुत सारी कॉफ़ी शॉप्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो अगर आप इवनिंग में अगर अराउंड 7 आए तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं अभी आया हूँ यहाँ पे शवरमा खाने के लिए, और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो शवरमा नहीं ट्राई किया तो आपने कुछ नहीं किया। सो गाइस, ये शवरमा मुझे 4 मन्नत में मिला है, जो कॉस्ट करता है 160 रुपये का, जो कि बहुत सस्ता है। तो यहाँ की ये फूड ज़रूर ट्राई कीजिए जब भी आप अजरबैजान और बाकू आएँ। तो आप जब भी बाकू आएँ निज़ामी स्ट्रीट में अपनी शाम ज़रूर बिताएँ। मैंने भी यही किया, चलता रहा और इस स्ट्रीट को मैंने पैदल चल के एंजॉय किया। थोड़ा चलने के बाद मेरी हालत कुछ ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वापस जाके थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद नाइट लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे। सॉरी गाइस, उसकी वीडियोस नहीं है। गुड नाइट। द नेक्स्ट डे। सो गाइस, जैसे भी आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आप हमेशा मेक श्योर कीजिए आप सुपरमार्केट में अपने लिए सामान खरीदिए और चॉकलेट्स खरीदिए। सुपरमार्केट में फ़ायदा ये होता है कि आपको सस्ती चीज़ें बहुत सस्ती मिल जाती है। जैसे मुझे पेप्सी की बॉटल 20 रुपए की मिलती है, जो इंडिया में 35 रुपीज़ की मिलती है। इसके अलावा जैसे लिकर होती है, तो लिकर में भी काफ़ी मुझे अच्छा डिस्काउंट मिला है, और नॉर्मल जो वोडका है जो यहाँ पे फेमस है वो 400-500 में आपको मिल जाएगी। मैं आपको भी दिखाता हूँ कि क्या फ़र्क है यहाँ पे सुपरमार्केट में अगर आपको शॉपिंग करनी है तो। सो गाइस, ये हैं यहाँ के प्राइसेस वोडका के, जो कि यहाँ की एक स्पेशल ड्रिंक है। जो अगर सेंट्रल एशिया अगर आ रहे हैं तो यहीं पे आपको ये सब मिलेगा। तो ये 13 मन्नत की है, बॉटल भी शानदार है और करीब 520 रुपये की पड़ेगी। सो ये देखिए, मैंने अभी अजरबैजानी वोडका और चिप्स और मैंने चॉकलेट्स ली हैं। टोटल मेरे 2000 रुपये लगे और मेरी काफ़ी अच्छी शॉपिंग हो गई है। तो मैं आपको रेकमेंड यही करता हूँ कि जब भी आप किसी ऐसी कंट्री में आते हैं जैसे सेंट्रल एशिया या कोई भी कंट्री में, आप हमेशा सुपरमार्केट से शॉपिंग कीजिए, तो रेट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। सो गाइस, ये थी मेरी बाकू की जर्नी। जल्दी मिलते हैं मेरी अगली जर्नी पर। तब तक मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिए। सी यू सून।